जय हिंद। तो आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग रोशन आनंद सर का जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उनका टेस्ट नंबर 31 को देखेंगे। और यह जो है आपको 2 से 3 सप्ताह पहले ही दे दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश आपको यह जो है टेस्ट नहीं करवाया गया। लेकिन आने वाला जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो आपको रक्षाबंधन के बाद कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है? और जो यह थी रेलवे ALP के लिए भी जो मैथ का क्लास आपको स्टार्ट किया गया है उसमें भी कंटिन्यू क्लास अभी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी रक्षाबंधन के बाद आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है? तो आप जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो रक्षाबंधन के बाद कंटिन्यू आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ठीक है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मंगोलिया, ठीक है? और आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा सी, ठीक है? यानी कालाहारी मरुस्थल जो आपको है कहाँ है, बोत्सवाना में है, और यह अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद नामीबिया है, तो ये भी आपको अफ्रीका में ही है। उसके बाद मंगोलिया, ठीक है? मंगोलिया, मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में आपको गोबी मरुस्थल है जो आपको एशिया महादेश में पड़ता है, सॉरी मंगोलिया, ठीक है? हाँ। उसके बाद एक और जो है आपको सहारा मरुस्थल है जो आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है? और इसका विस्तार, जैसे इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, अल्जीरिया में है, उसके बाद चाड है, मिस्र, लीबिया, ठीक है, नाइजर, ट्यूनिशिया, ये सभी देशों में आपको सहारा मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी फर्स्ट का क्या होगा आंसर, फर्स्ट का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो बोत्सवाना में है। सेकेंड है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई? तो सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का हो जाएगा आपको ईसाई, ठीक है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है, तो वो है आपको ईसाई का। और कितना परसेंट है, तो कितना है बताइए, 2.3%, ठीक है? जो आपको कितना है, 1,000 लिंगानुपात अगर पूछेगा, लिंगानुपात में जैसे क्या बोलते हैं, लिंगानुपात ही पूछा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात धार्मिक समुदाय का तो कितना है, 1,006 है, ठीक है? कितना है, 1,006 है। तो सेकंड का क्या आंसर होगा, ईसाई हो जाएगा। अब उसके बाद है थ्री, थ्री क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि किस जनजाति में नाता प्रथा, ठीक है? तो नागा, मीना, भोटिया, टोडा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मीना हो जाएगा। क्या होगा, मीना, यानी नाता प्रथा प्रचलित है कहाँ, प्रचलित है वो आपको मीना, ठीक है? यानी थ्री का क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे एक है टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु के नीलगिरी में पड़ता है, ठीक है? और यह आपको कन्या वध प्रथा के कारण इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है, ठीक है? और जो मीना जनजाति है, मीना जनजाति वो आपको कौन सा प्रथा है, नाता, नाता प्रथा, ठीक है? कौन सा प्रथा, नाता प्रथा प्रचलित है किस जनजाति में, मीना जनजाति, ठीक है? उसके बाद है नागा जनजाति, तो नागा जनजाति आपको नागालैंड में पाई जाती है, और यह जो है आपको कुशल योद्धा एवं भाला उनका प्रमुख अस्त्र है, ठीक है? और इसका प्रमुख त्योहार मिथन मनाया जाता है। क्या है, मिथन। अब उसके बाद है फोर, फोर क्या है, चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है, निम्न, उच्च, निम्न एवं उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको निम्न, ठीक है? यानी चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होगा, निम्न हो जाएगा, क्योंकि हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में क्या होता है, निम्न होता है, और बाहर क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है?
और वही चीज अगर प्रति चक्रवात में पूछेगा तो प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या होगा, उच्च होता है। यहाँ पे चक्रवात पूछ रहा था कि चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होगा, निम्न हो जाएगा। और प्रति प्रति चक्रवात में पूछेगा कि प्रति प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, तो उच्च होता है। यानी फोर का क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। अब उसके बाद है फाइव। फाइव है भोरघाट दर्रा कहाँ है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भोरघाट दर्रा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो फाइव का क्या होगा, फाइव का हो जाएगा आपको सी, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा भोरघाट। ठीक है, भोरघाट के अलावा जैसे एक होता है थाल घाट होता है, फिर उसके बाद पाल घाट होता है, उसके बाद सेन कोटा दर्रा होता है। तो यह जो है आपको जैसे भोरघाट पूछा तो भोरघाट महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे, ये तीनों में पाया जाता है। और थालघाट महाराष्ट्र, मुंबई और नासिक। उसके बाद केरल में पालघाट है, जो आपको पालघाट आपको केरल, पलक्कड़ और कोयम बटूर। ठीक है, और उसके बाद एक और है केरल में ही, सेन कोटा। क्या है, सेन कोटा का, जो आपको केरल, तिरुवनंतपुरम और मदुरई, ये तीनों में फैला हुआ है। कौन सा है, सेन कोटा का। यानी फाइव का क्या होगा आंसर, फाइव का हो जाएगा सी, जो आपको महाराष्ट्र, मुंबई और क्या है, भोरघाट, महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में। ओके, अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। क्या है, कौन सा विकल्प असत्य यानी गलत है, आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। एक तरफ है परियोजना और दूसरी तरफ है राज्य। टिहरी परियोजना उत्तराखंड, रिहंद उत्तर प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश, सही है, गांधी सागर। तो गांधी सागर जो है ये आपको राजस्थान में नहीं है, ये आपको चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, क्या है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी सिक्स का बी हो जाएगा। सेवन क्या कहता है, सेवन है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, वे हैं। यानी तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, वो क्या है, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पश्चिमी मानसून। आप कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी मानसून। यानी सात का क्या होगा, सात का बी हो जाएगा। सात का जो आंसर होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, लौटती हुई मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौटती हुई मानसून, जो आपको तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में होता है। ठीक है, और इसका जो दिशा है, इसका दिशा आपको दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब उसके बाद है एट। एट है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, मेलघाट, सह्याद्री, दांदेली, अंशी या नवेगांव, नागजीरा। तो आठ का क्या होगा, आठ का हो जाएगा आपको दांदेली, अंशी। ठीक है, यानी दांदेली अंशी जो है ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, ना कि यहाँ महाराष्ट्र में। यानी मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, नागजीरा ये कहाँ है आपको, देखिए मेलघाट, सह्याद्री, नमेगांव, नागजीरा। ठीक है, ये आपको महाराष्ट्र में है। और दांदेली अंशी ये आपको कहाँ है, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। ठीक है, अब उसके बाद है नाइन। नाइन क्या कहता है कि भारतीय राज्य सर्वाधिक शस्य गहनता किस राज्य की है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो नाइन का क्या होगा, नाइन का क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा आंसर इसका। इसका जो आंसर होगा वो आपको पंजाब हो जाएगा। यानी नाइन का क्या होगा, ए, पंजाब। ठीक है, और जैसे सस्य गहनता जो कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सस्य गहनता इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को उस भूमि का क्या कहते हैं, सस्य गहनता बोलते हैं। और इसका सर्वाधिक जो है आपको पंजाब में ही है, उसके बाद आपको हरियाणा होगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पंजाब के बाद हरियाणा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सस्य गहनता। ठीक है, सस्य गहनता का मतलब क्या बताया, कि किसी भी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, यानी किसी भी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को उस भूमि का सस्य गहनता बोलेंगे। ठीक है, जो आपको सबसे जो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो है आपको पंजाब राज्य में, फिर हरियाणा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। 10 है सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, आपको यह जो है आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका जो आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी उड़ीसा। यानी सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। 10 का क्या होगा, 10 का हो जाएगा बी। ठीक है, और भी है, जैसे सुंदरगढ़ में तो है ही, फिर उसके बाद कालाहांडी है, केवझर है, कारापुट है। ठीक है, और जैसे झारखंड में मैग्नीज
जो है उत्पादक कौन कौन सा जगह में होता है, तो एक है आपको हजारीबाग में, फिर उसके बाद धनबाद है, ठीक है, फिर उसके बाद एक पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ वहाँ पे भी आपको मैंगनीज, जो मैंगनीज क्या है, मैंगनीज ज़्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है आपको उड़ीसा में ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको कर्नाटक में आपको बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग, बीजापुर, है ना। अब उसके बाद है 11। 11 क्या है, 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है, ठीक है, ऊष्मा विद्युत संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र। तो 11 का क्या होगा, 11 का हो जाएगा डी, पवन ऊर्जा संयंत्र, यानी 11 का क्या होगा, 11 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यानी 11 का क्या आंसर हुआ, डी। अब उसके बाद चलेंगे 12, तो 12 क्या कहता है कि पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, 1902, 1903, 1904, 1905, क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1904, ठीक है, यानी बंगाल विभाजन से एक साल पहले, क्योंकि बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था और वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में 1904 में किया गया, ठीक है। अब उसके बाद है 13, और वैक्यूम पैन प्रक्रिया जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, यह था, यह जो था वो आपको भारत में वस्त्र उद्योग के बाद जो चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित क्या था, यानी मेन रूप से कहने का मतलब कि यह जो है आपको वस्त्र उद्योग के लिए ही था। अब उसके बाद है 13, 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदी, यानी डुडुमा, घाट प्रवाह, दशम, कांची, ककोलत, बीहड़, चचाई, वराही नदी। 13 का क्या होगा, 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपको दशम, दशम यानी कांची नदी, ठीक है। 13 का क्या होगा, बी कांची, जो आपको झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और डुडुमा जो है, डुडुमा आपको मच्छ, क्या बोलते हैं, मच्छ कुंड नदी, ठीक है, जो आपको उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद ककोलत है, वो करम क्या है, कर्मा, कर्मा नसा, ककोलत जो है आपको कर्मा नसा नदी पे है। उसके बाद चचाई है आपको बीहड़ नदी पे, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 14, 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है, प्राकृतिक पतन है ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है, यानी कौन सा प्राकृतिक पतन ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप, मोरमुगाव। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, कमेंट कीजिए, इसका जो आंसर होगा आपको मोरमुगाव, क्या होगा, मोरमुगाव, यानी 14 का डी हो जाएगा। 15 है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है, उड़ीसा, मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, और शास्त्रीय नृत्य कितना है, टोटल 6 है, ठीक है। अब उसके बाद 16 क्या है, 16 है, तो 16 क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, परिनिर्वाण, पहले ये समझना है कि महापरिनिर्वाण किस चीज को बोलते थे, महापरिनिर्वाण हो गया, फिर उसके बाद महाभिनिष्क्रमण हो गया, उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। तो महापरिनिर्वाण जो है आपको, यह जो है आपको मृत्यु को बोलते हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था उस चीज को, किस उस चीज को संबोधित कहते हैं महापरिनिर्वाण से, और जन्म को, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, जो आपको पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसके बारे में कहता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा था कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका जो आंसर होगा वो मल्ल हो जाएगा, क्या होगा, मल्ल, यानी 16 का सी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुआ था, कितना में हुआ था, 483 BC, जन्म 563 BC, ठीक है। अब उसके बाद है 17, क्या है, 17, ठीक है, तो 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से
अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? रामपुरवा, प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया अरिराज या लौरिया नंदगढ़। ठीक है, तो 17 का क्या होगा आंसर? 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है आपको बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है, यह संबंधित है आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी। क्या है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। और इस स्तंभ लेख को आपको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। यानी प्रयाग स्तंभ लेख जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था, ठीक है, और इस अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। उसके बाद जैसे रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, ये सब जो है आपको कहां से? बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब उसके बाद है 18 क्या कहता है कि पायलों की गति निम्न में से किसकी रचना है? पायलों की गति निम्न में से किसकी रचना है? कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तोलकापियर का, तिरु तक देवर का या इलांगे आदिगल, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या होगा आंसर? 18 का हो जाएगा सी, इलांगे आदिगल। क्या होगा? इलांगे आदिगल। यानी 18 का क्या होगा आंसर? 18 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें कि इसी चैनल पे रक्षाबंधन के बाद, ठीक है, यानी 30 या 31 तारीख को रक्षाबंधन है। कहीं कहीं 30 तारीख को मनाया जाएगा और कहीं कहीं आपको 31 तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। तो रक्षाबंधन के बाद यानी 2 या 3 या 4 तारीख के बाद ही समझिए, यानी 4 तारीख के बाद आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर का भी क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। पर डे आपको 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप उस क्लास को अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, मेरे लिए आभार जैसा, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप लोग उस क्लास को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही खुशी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है? 19 क्या कहता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रुपया, दिनार, टाका, कुलंजू। तो 19 का क्या होगा आंसर? 19 का हो जाएगा आपको दिनार। यानी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, ठीक है। और चांदी को रुपया का, क्या है? रुपया का, ठीक है। और टाका जो है ये आपको तांबा के सिक्के को बोला जाता था। टाका तांबा के सिक्का को, दिनार सोना के, चांदी को रुपया, रुपया, ठीक है, रुपया बोल सकते, रुपया का नहीं है, रुपया। अब उसके बाद है 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गिरेन मिले द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित किया जाना, ब्रिटिश सेना एवं उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष, सप्तवर्षीय युद्ध, बोस्टन की चाय पार्टी। तो 20 का क्या होगा आंसर? 20 का जो आंसर होगा वो होगा बोस्टन की चाय पार्टी, यानी 20 का डी हो जाएगा, ठीक है। यह जो है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था जो आपको 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और इस घटना का नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे, ठीक है, जो आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक, जॉर्ज वाशिंगटन। यानी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसको बोला गया, तो जॉर्ज वाशिंगटन को। और बोस्टन की चाय पार्टी का नायक सैमुअल एडम्स, ठीक है, यानी बोस्टन की चाय पार्टी का नायक सैमुअल एडम्स को बोला गया, सैमुअल एडम्स को, ठीक है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन। अब उसके बाद है 21 कहता है कि ट्राल सोगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस, यूरोपीय राष्ट्र एवं नेपोलियन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर आपको इंग्लैंड एवं फ्रांस होगा, ठीक है। यानी ट्राल गफर का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। अब उसके बाद है 22 क्या कहता है कि किताब नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया?
अली आदिल शाह, शिहाबुद्दीन अहमद, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो 22 का क्या होगा? 22 का हो जाएगा आपको सी, इब्राहिम आदिल शाह। 22 का क्या होगा? 22 का हो जाएगा सी। 23 है सल्तनत काल में दीवाने इंसा संबंधित था, दान विभाग, प्रताचार विभाग, सैन्य विभाग, कृषि विभाग। तो 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा प्रताचार विभाग। क्या होगा? प्रताचार विभाग। और दीवाने खैरात आपको दान विभाग, क्या है? दीवाने खैरात आपको दान विभाग। उसके बाद दीवाने क्या है? दीवाने अर्ज आपको सैन्य विभाग, ठीक है। कृषि विभाग के लिए था दीवाने को ही। चलिए मेरे साथ आप लोग रिवाइज कीजिएगा, दान विभाग, ठीक है। दान विभाग जो है आपको दीवाने खैरात, दीवान विभाग, सॉरी दीवान, दान विभाग आपको दीवाने खैरात से संबंधित है, ठीक है। दान विभाग किससे है? दीवाने खैरात से। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज से। कृषि विभाग दीवाने को ही से। अब उसके बाद है 24। 24 क्या है? 24 है अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? 1575, 78, 82, 80। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा 1580, ठीक है। 24 का डी। 1575 में क्या हुआ था? इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575, और इबादत खाने में सभी धर्म का प्रवेश 1578, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582। यानी दीन ए इलाही 1582 हो गया, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना 1575, और इबादत खाने में सभी धर्मों को बुलाने, सभी धर्मों का प्रवेश 1578, और 1580 में टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। 25 है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मोमलो, सर आयरकुट, काउंट डलाली। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा हेक्टर मुनरो, यानी 25 का बी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1764 में हुआ था। कितना? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और प्लासी का, 23 जून 1757, और 1760, 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था, जो जिसमें अंग्रेजी सेनापति सर आयरकूट थे, और जबकि सेना फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली था। 36 है सूर्यास्त कानून का संबंध था रैयतवाड़ी व्यवस्था से, महलवाड़ी व्यवस्था से, अस्थाई बंदोबस्त। तो 26 का क्या होगा? 26 का क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। 26 का सी हो जाएगा। 27 है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? 27 का क्या होगा आंसर? 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या कह रहा है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है यही आपको क्या है? सही नहीं है, ठीक है। 26, 27 का क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा। बाकी लॉर्ड बेवेल 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए थे, और नेहरू के विरोध के कारण बालकन योजना का परित्याग किया गया था। यही जो है आपको 27 का, ये जो है आपको सही नहीं है। अब उसके बाद है 28। 28 क्या कहता है कि दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड इरविन। तो 28 का क्या होगा आंसर? 28 का जो आंसर होगा लॉर्ड लॉर्ड इरविन होगा, लॉर्ड इरविन। यानी 28 का क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 29 है वेदांत कॉलेज के संस्थापक रहे विलियम जोन्स, राजाराम मोहन राय, देवेंद्र ठाकुर, गोपाल हरिदेशमुख। तो 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा बी, राजाराम मोहन राय, ठीक है। यानी वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन रहे हैं? राजाराम मोहन राय। 29 का क्या होगा? बी हो जाएगा, 1825 ईस्वी में। 30 है निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा आंसर क्या होगा? 30 का आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। इसका कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा आपको अरविंद घोष, ठीक है। 31 है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जीना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो है किसका था कि यह गुलामी का अधिकार है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के क्या हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मोहम्मद अली जीना का कहना था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। क्या है? पूर्णतः सड़ा हुआ है, ठीक है।
और अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद है 32। 32 क्या कहता है कि संविधान की सर्वोच्चतम संबंधित प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका। तो 32 का क्या होगा, 32 का जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 33 है लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का क्या होगा, 33 का हो जाएगा आपको पूर्वी। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो पूर्वी में। 33 का आंसर हो जाएगा बी। अब उसके बाद है 34 है। ठीक है, तो 34 जो है क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, और अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है अभी प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं और यह उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 35। 35 है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो इसका जो आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। इसका जो आंसर होगा आपको तीनों होगा, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो 35 का क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा यह कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, 216, 217, 214 या 222। तो इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 214। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को वरिष्ठता न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो 37 का क्या होगा, 37 का हो जाएगा डी, राज्यपाल। ठीक है, और अभी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि बिहार का राज्यपाल अभी कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद है 38। 38 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अनवेंशन 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। यानी 24 घंटा के अंदर अगर पुलिस को, कहने का मतलब क्या कर रहा है कि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है, पुलिस के अंडर में है और प्रतीत हो कि अनवेंशन जो यानी उसका जो प्रक्रिया है 24 घंटे में पूरा नहीं किया गया, मैंने पूरी तरह से उसको यह नहीं बताया गया कि तुम क्या हो, तुम आप दोषी ठहराए गए हैं या फिर दोषी नहीं ठहराए गए हैं, अगर कोर्ट में इस तरह का फैसला अगर नहीं सुनाया गया है 24 घंटा के अंदर, तो पुलिस जो है कितने अवधि के लिए अपने अंदर यानी अपने सुरक्षा में उसको रख सकता है, 7 दिन, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो 38 का क्या होगा, 38 का जो आंसर होगा आपको 15 दिन होगा। क्या होगा, 38 का आंसर क्या होगा, यह जो है आपको 15 दिन होगा। ठीक है, यानी 38 का आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है 39। तो 39 क्या कहता है कि विधि के समान संरक्षण का उद्घोषण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, 14, 15, 13, 12। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 14। यानी विधि के समान संरक्षण आपको 14 में है, और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। 40 है राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, क्या है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 6, 9, 9 का क, भाग 11। 40 का क्या होगा, बी, भाग 9। ठीक है, भाग 9 जो है आपको आर्टिकल 273 आई में यह जो है आपको कहा गया है, और यह जो है आपको भाग 9 आपको पंचायत संबंधित प्रावधान, यानी भाग 9 आपको पंचायत से ही रिलेटेड है। अब उसके बाद है 41। तो 41 क्या कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्य निकाय है, 3, 4, 5, 6। 41 का क्या होगा, 41 का हो जाएगा 5। ठीक है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितने सदस्य निकाय है, तो 5 है। 42 है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव, उप चुनाव, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का क्या होगा,
42 का ए हो जाएगा, मध्यावधि चुनाव। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो कह रहा था कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग हो जाएगा, भंग होने के परिणाम स्वरूप, यानी परिणाम आने के पहले, निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहेंगे, मध्यावधि चुनाव बोलेंगे। ठीक है, और जैसे आम चुनाव है तो आम चुनाव आपको संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और उपचुनाव, उपचुनाव आपको संसद तथा राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल कैसे बनता है, विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों मिलता है तो विधानमंडल का निर्माण होता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र, यानी कहने का मतलब कि कोई भी सदस्य है संसद का हो या फिर विधानमंडल का हो, अगर उसका मृत्यु हो जाता है या त्याग पत्र या अयोग्य होने के कारण अगर सीट खाली रहता है तो उसके लिए उपचुनाव करते हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि उपचुनाव कैसे होगा, उपचुनाव अगर कोई भी सदस्य है, मेंबर है संसद का या विधानमंडल का, तो अगर उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाएगा या फिर त्याग पत्र यानी कहने का मतलब रिजाइन दे देगा या फिर अयोग्य माना जाएगा, अयोग्य कि वो इस लायक नहीं है, तो उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, और आम चुनाव तो पता ही है कि आपको 5 वर्ष के लिए होता है, और उपचुनाव आपको डिफरेंस बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद है 43। 43 क्या कहता है, भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया, 2004, 2006, 2008, 2012। 43 का क्या होगा, बी 2006। 43 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 44 है, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35, 45। तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए कितना है, यह जो है आपको 45 वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष है, 45 वर्ष। और लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनका वेतन कितना होता है, 4 लाख होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का भी 4 लाख होता है, और राष्ट्रपति का अगर पूछेगा तो 5 लाख। ओके, और आपको राज्यपाल का, राज्यपाल का 3.5 लाख होता है, और उपराज्यपाल का 2,25,000। ठीक है, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, पहले आप कमेंट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आप लोग आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 है, और उसका जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपये है। उसके बाद आपको हाईकोर्ट आ जाता है, तो हाईकोर्ट में जो आपको है 2,50,000 है, क्या है, 2,50,000। और उसके बाद अन्य जो है हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश उनका 2,25,000 है। ठीक है, और उसके साथ कैग, कैग का भी 2,25,000 है। ठीक है, उसके बाद आपको मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाता है, इसका 2 लाख, इसका भी कितना है, 2.5 लाख ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, 45 में। 45 क्या कहता है कि भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है, संघ सूची, राज सूची, समृद्धि सूची में से कोई नहीं। तो 45 का क्या होगा आंसर, राज सूची। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है, तो राज सूची के अंतर्गत आता है। 46 है, कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो यह जो है आपको क्रिकेट से है, क्या है, क्रिकेट से है। 47 है, वॉलीबॉल किस परिसर में, किस परिसर में खेला जाता है, फील्ड, पिच, कोर्ट, ग्रीन्स। तो 47 का क्या होगा, 47 का आंसर हो जाएगा आपको सी, कोर्ट पे, कोर्ट पे क्या खेला जाता है, वॉलीबॉल। और जैसे भी, जैसे पोलो हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, पोलो, फुटबॉल, हॉकी, आपको ये सब जो है फील्ड पे खेला जाता है, क्रिकेट, रग्बी पिच पे होता है, बॉल्स ग्रीन्स पे होता है, और जैसे ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन है ना, ये जो है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछेगा तो ये आपको हाई कोर्ट पे, कोर्ट पे ही खिलाया जाएगा, हाई कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद आपको यूएस ओपन, ये भी हाई कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद आपको फ्रेंच ओपन हो गया, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। उसके बाद आपको विंबलडन हो जाएगा, तो ये आपको ग्रास कोर्ट पे खेला जाएगा, कौन सा कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपको कब से खेला जा रहा है ये बताना है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको 1905 में स्टार्ट किया गया था, और जो सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ था वो आपको विंबलडन है, ठीक है, जो आपको 1877 है, 1877 में ही आपको विंबलडन जो खेल है वो आपको चालू हो गया था। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 48।
48 क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? नचिकेत मोर समिति, शिवरम समिति, नरसिम्हन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या होगा आंसर? 48 का हो जाएगा शिवरम समिति। क्या होगा? शिवरम समिति। यह जो है आपको कौन सा पंचवर्षीय योजना था? यह आपको 12 जुलाई, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, 12 जुलाई 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो शिव रमन समिति। क्या होगा? शिव रमन समिति। 49 है, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्यात की गई? 1910, 13, 15, 17। 49 का क्या होगा? 17। क्या होगा? 49 का 17, जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में हुआ था ना। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। और यह जो है आपको 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और 2 साल बाद सत्याग्रह, आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, ठीक है। अब उसके बाद है 50। तो 50 क्या कहता है कि राजस्व घाटा क्या है, यानी राजस्व घाटा क्या है वो बताना है। राजस्व व्यय प्लस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, या राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, या बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का हो जाएगा बी, राजस्व व्यय, राजस्व में जो खर्चा है और राजस्व में जो प्राप्ति है, यानी खर्चा माइनस प्राप्ति बराबर क्या होगा? राजस्व घाटा। जैसे जितना प्राप्त, जैसे जितना खर्च ही है, खर्च में से अगर प्राप्ति जितना प्राप्त हुआ है वो घटा देंगे तो हमको राजस्व घाटा पता चल जाएगा, ठीक है। यानी जो खर्च करेंगे, जो मूल है उसमें घटाएंगे तो राजस्व घाटा पता चलेगा, ठीक है। 51 है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है? ओम मीटर या ओम मीटर या प्रति ओम मीटर। तो 51 का क्या होगा? 51 का सी, ओम मीटर, ठीक है। यानी 51 का क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछे तो क्या होगा? ओम होगा सिर्फ। क्या होगा? ओम, ऐसे होता है। 52 है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भारत की समान भार, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, भार भारत नहीं होगा, क्या होगा? भार हो जाएगा। यानी हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी को गेंद पहले गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लोहे के बाद में गिरेगी, या दोनों गेंद एक साथ गिरेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 53 है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा सी, अपरिवर्तित, ठीक है। यानी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। 54 है, कार्य का मान अधिकतम होगा यदि जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य का कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। 54 का क्या होगा? ए, ठीक है। 55 है, स्टोक्स के नियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, कोशिकत्व, उत्प्लावन बल। तो 55 का क्या होगा? 55 का हो जाएगा आपको श्यानता। यानी स्टोक्स का नियम किसकी माप के लिए करते हैं? तो श्यानता की माप के लिए। 56 है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। यानी विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होगा, ओके। यानी 56 का क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। उसके साथ जैसे विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल में आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत सेल बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 57 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी द्वारा, वोल्ट द्वारा, और स्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा। तो 57 का क्या आंसर होगा? 57 का जो आंसर होगा वो होगा और स्टेट द्वारा। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा, ठीक है। 57 का क्या होगा? सी हो जाएगा। और कब किया गया? 1820 में। 58 है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36, 1.31, 1.0003, 2.42। तो इसका जो आंसर होगा 1.36, यानी अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। 2.42 किसका होता है? ये जो है आपको हीरा का होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अब हम लोग कितना में? 59 में चलेंगे, ठीक है।
तो 59 क्या कहता है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। 59 क्या है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 59 का, जैसे दर्पण के पीछे वक्ता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस पर, तो 59 का क्या होगा, 59 का हो जाएगा सी, अनंत पर। 60 है लेक्लांसे सेल का एनोड बना होता है, जस्ता का, कार्बन का, तांबा का, पारा का, तो 60 का आंसर क्या होगा, बी कार्बन, यानी लेक्लांसे सेल का एनोड किस पे बना होता है, कार्बन का, ठीक है। यानी लेक्लांसे सेल में एनोड कार्बन का छड़, ठीक है, तथा कैथोड जो है जस्ता का छड़, ओके। 61 है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र समझिएगा, ना कि आधुनिक आवर्त सारणी, रसायन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड तो आपको नाभिक का हो गया, उसके बाद ऑटो हॉर्न, मेंडलीफ, एंटोनियो लेबोजियर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, एंटोनियो लेबोजियर, यानी 61 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 62 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, सही बात है, बिल्कुल नहीं, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, एक परमाणु के नाभिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, भी गलत है। फिर एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर काटता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी, सी सही है, ठीक है। अब उसके बाद 63, 63 क्या कहता है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदन की तरह, इनमें से कोई नहीं, तो नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग आपको विमंदन की तरह किया जाता है, क्या है, विमंदक, ठीक है, और स्नेहक की तरह जो है आपको इसमें जो है नाभिकीय संयंत्र में हुआ ना, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदन की तरह करेंगे, और स्नेहक में, स्नेहक में किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का, हीरा का, ग्रेफाइट का ही करता है स्नेहक में, ठीक है, यानी नाभिकीय संयंत्र में करते हैं विमंदन का, और स्नेहक भी करते हैं किसी चीज में, पता नहीं, ध्यान में नहीं है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि स्नेहक का भी प्रयोग करते हैं किसमें, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं किसी न किसी चीज में होता है, अगर आप लोग, आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 64 है दूध है, दूध क्या है, पायस है, निलंबन, फोम, जेल, 64 का क्या होगा, 64 का हो जाएगा आपको पायस, दूध क्या है, एक पायस है, दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक क्या है, कृत्रिम पायस है। 65 है क्षारीय धातुओं के गुण क्या है, कमरे के तापमान पर अति अस्थिर, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, तो 65 का क्या होगा, 65 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। 66 क्या है, खाने का सोडा, ठीक है, 66 क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा का क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 66 का क्या होगा आंसर, यह जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे आप इसको अपना लैंग्वेज में याद कीजिएगा कि खाने का सोडा, खा के भाग गया, क्या है, खा के भाग गया, यानी बाय, यानी बाय बाय, सोडियम बाइकार्बोनेट, खा के भाग गया, यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खा के भाग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वही चीज़ होगा धोने का सोडा, तो यह जो है आपको सोडियम कार्बोनेट, आप दो इसी दो चीज़ में छात्र जो है फंसते हैं कि खाने का सोडा आपको बाइकार्बोनेट होगा या कार्बोनेट होगा, तो आप सिंपल में याद रखिएगा कि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खा के भाग गया यानी बाई हो गया, बाय बाय हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धोने का सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। 67 है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, पानी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो 67 का क्या होगा आंसर, 67 का जो आंसर होगा वो होगा पानी, यानी हाइड्रोजन को अगर जल के साथ मिलाएंगे, जैसे H2 है, उसको अगर जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ओके। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो 68 का जो आंसर होगा नाइट्रोजन, हरित गृह गैस नहीं है वो कौन है, नाइट्रोजन नहीं है, 68 का क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। बाकी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड,
N2O जिसको बोलेंगे, लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं इसको, जो आपको हरित गृह गैस है, ठीक है। जैसे हरित गृह गैस किसको बोलेंगे, जैसे वैसा गैस जिसके वायुमंडल में रहने से वायुमंडल गर्म हो जाता है। बस सिंपल सी बात कि एटमोसफेयर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हरित गृह गैस कहेंगे। उसमें आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। ओके, कौन कौन आता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सिंपल सी हरित गृह गैस क्या है, वायुमंडल में अगर ये सब गैस रहेगा तो क्या होगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा, यानी स्थिति खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब उसके बाद है 69, मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, पेंटा कोसिन, ब्यूटा कोसिन, हेक्सा कोसिन या हेप्टा कोसिन। तो 69 का जो आंसर होगा पेंटा कोसिन होगा। 70 है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके, या मतलब कैसे पता लगाएंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन। तो 70 का क्या होगा, 70 का जो आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन होगा। 71 है, लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, रक्त प्लाज्मा। तो 71 का क्या होगा, 71 का हो जाएगा बी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, यानी लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित रहता है, तो डब्ल्यूबीसी होता है। जबकि आरबीसी जो है, आरबीसी और प्लेटलेट्स को क्या होता है, अभाव होता है। आरबीसी का क्या होगा, अच्छा आरबीसी का कार्यकाल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 22, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने पर मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, यानी 72 जो ऑप्शन है, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबिना। तो 72 का क्या होगा, 72 का जो आंसर होगा वो आपको क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, इसका जो आंसर होगा एनाबिना होगा, एनाबिना आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। 73 है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जाति, जगत, फाइलम, वर्ग, यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, जगत, ठीक है, क्या है, जगत है। 74 है, कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होती है, 4, 5, 6, 7, कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होती है, कितनी अवस्था में होती है, यह जो है आपको चार अवस्था में होता है, ठीक है। पहला होता है अंडा, फिर लार्वा, फिर व्यूपा, फिर उसके बाद कीट, यानी पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर व्यूपा होता है, फिर कीट होता है। 75 है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी सम पोषण नहीं होता है, मेढक, बिल्ली, जीवाणु, मछली। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, किस जीव में प्राणी सम पोषण नहीं होता है, मेढक, बिल्ली, जीवाणु, मछली। तो इसका जो आंसर होगा जीवाणु हो जाएगा, 75 का सी, क्योंकि जीवाणु एवं कवक में मृत जीवी पोषण पाया जाता है, यानी मृत जीवी पोषण आपको जीवाणु में होता है, ठीक है। बात बाकी जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, मछली, ये सब क्या है, ये सब जो है मुख मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है, फिर उसके बाद भोजन को पचाता है, इसके बाद पचित भोजन जीव के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है, और ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण बोलेंगे, जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, मछली, लेकिन जो नहीं बोलेंगे वो क्या है, जीवाणु है। 76 एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, सर फ्रांसिसी गाल्टन, बीडल, टेटम या फिर दोनों, यानी दोनों कहने का मतलब बी और सी, ठीक है। तो 76 का क्या होगा, डी हो जाएगा, बीडल और टेटम, यानी एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल और टेटम के द्वारा किया गया। 77 निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, अब ब्रिका ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, अग्नाशय या पीनियल ग्रंथि। तो 77 का क्या होगा, 77 का हो जाएगा सी, अग्नाशय, कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय। 78 है, श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं न्यूरॉन में, नेफ्रॉन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो 78 का क्या होगा, ए, न्यूरॉन, यानी श्वान कोशिका आपको न्यूरॉन में होता है, और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, ठीक है। 78 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 79 है, जड़ के किस भाग में पसर्व जड़ें निकलती है, जड़ के किस भाग में पसर्व जड़ें निकलती है, कोशिका विभाजन प्रदेश, दैर्ध्य वृद्धि प्रदेश, मूलरोम प्रदेश या परिपक्व प्रदेश। 79 का क्या होगा, 79 का हो जाएगा आपको डी, परिपक्व प्रदेश। 80 है, गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, टीलोमियर, पेलिकल, क्रोमी, क्रोमोनीमेटा, इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा, ठीक है, और चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर वीडियो अपलोड होगा या फिर लाइव चलेगा तो आपको वीडियो सबसे पहले, अब मैंने कहने का मतलब कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
और अगर वीडियो अच्छा लगता है वह अगर अच्छा लग रहा होगा या फिर लगता होगा तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो 80 का क्या होगा आंसर? पेलिकल। क्या होगा? पेलिकल यानी गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पेलिकल कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद साइंस का पोर्शन खत्म हो गया, अब आ जाएगा क्या? करंट अफेयर। तो 81 से करंट अफेयर है। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, रोजर पिनी, अजीत अगरकर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? रोजर पिनी। रोजर पिनी से पहले कौन था? सौरव गांगुली, ठीक है। यानी 81 का क्या होगा आंसर? 81 का हो जाएगा सी, ठीक है। जो आपको 36 36 वन, इन 36वां बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। 35 कौन थे? सौरभ गांगुली। 82 है, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। मनोज सोनी तो आपको यूपीएस सिविल सर्विस का है, ठीक है। बी वी आर सुब्रमण्यन, यानी 82 का क्या होगा? यही होगा, BVR सुब्रमण्यन। और सुमन कुमार बेरी जो है आपको नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और मनोज सोनी तो आपको बता दिए, मनोज कुमार, सॉरी क्या है, नरेंद्र, सॉरी क्या था, डॉक्टर मनोज सोनी, ये जो है आपको संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, आपको बताए ही थे। नरेंद्र मोदी तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा उपकरण भारत द्वारा निर्मित नहीं है? यानी कौन सा रक्षा उपकरण भारत द्वारा निर्मित नहीं? एनएस कलवरी, पिनाका, हेलिना, आईएनएस बेला। तो 83 का क्या होगा? 83 का आंसर क्या होगा? रक्षा उपकरण भारत द्वारा निर्मित नहीं है। 83 का इसका जो आंसर होगा आईएनएस बेला होगा। बाद बाकी आईएनएस कलवरी, पिनाका, हेलिना, ये सब तीनों आपको है भारत द्वारा निर्मित किया गया है। कौन कौन? कलवरी हो गया, पिनाका हो गया और हेलिना हो गया। अब उसके बाद है 84। 84 हाल ही में किस राज्य की कम्बन अंगूर को जीआई टैग पर 2023 प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर इसका? इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु। 85 है, बितस्ता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा, असम। यानी बितस्ता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? 85 का आंसर क्या होगा? 85 का जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी बीतत्सव महोत्सव आपको जम्मू कश्मीर मनाया गया है। 86 है, फोर्थ समुद्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंडोनेशिया, मालदीव, जापान, श्रीलंका। तो 86 का क्या होगा? ए इंडोनेशिया। 86 का क्या होगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। यह जो है आपको नौसेना युद्धाभ्यास है। क्या है? नौसेना यानी नेवी। आप ये भी बता दीजिए कि नेवी दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे। नेवी डे जो है आपको 4 दिसंबर को, वायुसेना 8 अक्टूबर, और थल सेना 15 जनवरी। और अभी जल सेना का अध्यक्ष कौन है नेवी का? आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार। और वायुसेना का VR चौधरी, ठीक है। और थल सेना का कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ओके। अब उसके बाद है क्या है, 87 आ गया। तो 87 जो है क्या कहता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय क्या है, यानी थीम क्या है इसका, ठीक है। 87 का क्या होगा? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। थीम 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 जो है आपको याद रखना है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आप VVI लगा लें। यानी ब्रह्मा हिंदी सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। यानी 87 का बी हो जाएगा। अब उसके बाद है, और इसका प्रतिनिधित्व कौन किए थे? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इनका इसका प्रतिबिंब जो है प्रतिनिधि सॉरी हाँ प्रतिनिधि कौन किए थे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 88 होगा, 88 क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? विश्व बैंक, नाइट फ्रैंक, बौद्धिक संपदा संगठन, जर्मन। तो 88 का क्या होगा? 88 का सिंपल सा बौद्धिक संपदा संगठन। 89 है, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अमेजोन, टेस्ला, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। तो जो एप्पल को पीछे छोड़ा है वो है अमेजोन, और अमेजोन के कौन है फाउंडर? जेफ बिजोस, ठीक है। कौन है? जेफ बिजोस है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का दो गो भाई है, सचिन बंसल, एक और नाम है, उनका नाम पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
89 का क्या होगा, 89 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 90 यानी 90। 90 कहता है, हाल ही में किस भारतीय नेता द्वारा कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ग्रुप का उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो 90 का क्या होगा, इसका जो आंसर होगा राजनाथ सिंह। यानी किस भारतीय नेता द्वारा कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ग्रुप का उद्घाटन किया गया है, तो राजनाथ सिंह। 91 है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 91 का क्या होगा, 91 का हो जाएगा आपको इसरो, इसरो, ठीक है। इसरो का डिफिनेशन है, मैंने इसका क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म जैसे बोल सकते हैं, क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 23 अगस्त को आप लोगों को पता ही होगा कि इसरो के द्वारा, यानी इसरो के सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया गया हमारे देश के लिए, ठीक है। और वो क्या था, चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 1-2 के असफल प्रयासों के बाद, यानी चंद्रयान 3 जो है आपको पूरी तरह चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग किया गया, कितना तारीख को, 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को किया गया, 23 अगस्त 2023। और यह जो है आपको साउथ पोल पे जाने वाला पहला, यानी कोई भी ऐसा मशीन जाने वाला एंड लैंड करने वाला पहला ऐसा देश बन गया है, कौन सा, इंडिया, ठीक है। कौन कौन सा एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, इसरो, ठीक है। और इसरो का फाउंडर कौन है, अभी जो है इसरो का संस्थापक कौन है, के सोमनाथन, कौन है, के सोमनाथन। और इससे पहले आपको 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था, उस समय संस्थापक कौन थे, उस समय थे के सिवान, ठीक है, के सिवान थे। और उनका भी अच्छा खासा प्रयास रहा था, लेकिन कुछ कारणों से लैंड नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन 4 साल बाद फिर से इसरो का वैज्ञानिक का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिससे हमारे देश का एक बहुत ही एक कीर्तिमान स्थापित हुआ हमारे देश के लिए। और इसके लिए पूरा देश इंडिया को सराहना कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद, और एक चीज़ और बता दें कि जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है ना चंद्रयान 3, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है, क्या रखा गया है, शिव शक्ति, ठीक है। और अंतरिक्ष दिवस जो है आपको 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड किया था उसी दिन क्या स्पेस अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। आप टाइमिंग भी याद रखिएगा कि कितना बजे टाइम अति क्या बोलते हैं लैंड किया था, तो 6:04 PM में था, ठीक है, शाम में। अब उसके बाद है 92 है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार भारत 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात। तो 92 का क्या होगा, 92 का हो जाएगा आपको बी, हिमाचल प्रदेश। यानी कौन सा राज्य सरकार 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश। 93 है, नवीनतम पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है, अरुंधति राय, शांतनु गुप्ता, रामचंद्र गुहा, आदित्य भूषण। तो 93 का क्या होगा, 93 का हो जाएगा सी, रामचंद्र गुहा, 93 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 94 है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 25 जनवरी, 25 अगस्त, 25 मई, 25 सितंबर। 94 का क्या होगा, 25 सितंबर, यानी विश्व पर्यटन दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 95 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, पंडित रामकिशन, आशा भोसले, आशा पारेख, धर्मेंद्र। तो 95 का क्या होगा आंसर, 95 का हो जाएगा आशा भोसले, यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। 96 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, 2006, 2008, 2010 और 2000। तो 96 का क्या होगा ए, 96 का क्या होगा ए, 2006। 97 है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, सचिन तेंदुलकर। तो किसे नहीं दिया गया है वो बताना है, तो इसका जो आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। बाकी पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, इन सभी को भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर जी को 1999 में ही दिया गया था,
उसके बाद सचिन तेंदुलकर को 2014 में और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। ठीक है, अब उसके बाद है 98, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है कमेंट कीजिए। प्लेटो, दांते, जॉन मिल्टन, न्यूटन। तो 98 का क्या होगा? 98 का हो जाएगा बी, दांते। क्या होगा? दांते हो जाएगा। उसके बाद जैसे प्लेटो है, प्लेटो का कौन थे? प्लेटो का थे रिपब्लिक। पुस्तक के लेखक बताना है, ठीक है? तो प्लेटो जो है वो कौन पुस्तक लिखा थे? प्लेटो जो लेखक हैं वो कौन पुस्तक लिखे थे? रिपब्लिक। और जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, और प्रिंसिपिया जो है न्यूटन, प्रिंसिपिया जो है न्यूटन लिखे थे। 99 है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1983, 1986, 1988, 1989। तो 99 का क्या होगा? डी हो जाएगा, 1989। ठीक है, 1989। यानी नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 1989 को यह जो है स्टार्ट किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हुआ क्या? हुआ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो है आपको नैरोबी में है। क्या है? नैरोबी। यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको नैरोबी में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।